हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों, जो हमारी जो सीरीज चल रही थी 1990 से लेकर 2019 तक के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, तो उसे आपने बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे देखा है और बहुत लोगों के वो सीरीज यहाँ पर पसंद आई, क्योंकि आप पूरे यूट्यूब पर देखोगे तो इस प्रकार से आपको कहीं भी अरेंज करे हुए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो हम यहाँ पर उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब लेकर आए हैं हम यहाँ पर MP GK के, यानी कि MP GK के 1990 से लेकर 2020 तक कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसे अरेंज करने में हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से हमने अरेंज किया है। इसकी कुछ खासियत हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे। जैसे कि हमने क्या करा है, MP को पूरे 5 यूनिट में हमने बांट दिया है। आपने देखा होगा हमारे प्रारंभिक परीक्षा में भी MP 5 यूनिट में इंक्लूड है। हमने पहली यूनिट में इसे रखा है मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति, दूसरी यूनिट में रखा है मध्य प्रदेश का भूगोल, तीसरी में हमने रखा है राजव्यवस्था, चौथी में अर्थव्यवस्था और पांचवी में मध्य प्रदेश के खेलकूद से संबंधित कैसे प्रश्न आए हैं। तो उसमें भी हमने यहाँ पर दोस्तों यूनिट वाइज रखा है, और यूनिट वाइज में भी हमने यहाँ पर यह रखा है कि 1990 में कैसा क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद 1991 में कैसा पूछा है, फिर 1993 में कैसा पूछा है। तो ऐसे ऐसे करते करते हम डायरेक्ट 2019 तक लेकर आ गए हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अरेंज किया है। तो आपको देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा इस प्रकार से बनाना चाहते थे कि 1990 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। बाकी हमें यहाँ पर एक दोस्त ने बताया कि आप इसे इस प्रकार बनाइए ताकि किसी को यहाँ पर ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े, कि जैसे कि मध्य प्रदेश के इतिहास से कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, उसके बाद में भूगोल से कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो इससे क्या है, आपको पैटर्न समझने में आसानी होगी कि 1990 में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता था MP GK से और अब कैसा पूछा जाता है। ठीक है, तो इतिहास, भूगोल, संविधान और उसके बाद में अर्थव्यवस्था, उसके बाद में हमने यहाँ पर खेलकूद और करंट अफेयर का भी हमने एक टॉपिक जोड़ा है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर प्रत्येक दिन अभी 20-20 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे और ये PDF आपको कल तक बिल्कुल तैयार यहाँ पर मिल जाएगी। कल तक पूरे हम यहाँ पर आंसर जो है इनके राइट आंसर टिक करना है, बाकी हमने यहाँ पर इसे टाइप कर दिया है। तो हम आपको बता देंगे किस प्रकार से लेना है। और इससे पहले हमने संविधान, भूगोल, इतिहास, विज्ञान और साइंस टेक, तो इसके यहाँ पर हमने क्वेश्चन करवा चुके हैं 1990 से लेकर 2019 तक के। यदि वो आपको देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको उसके प्लेलिस्ट अलग से दिख जाएगी, अलग ही आपको वहाँ पर पहचान में आ जाएगा आप चैनल में अंदर जैसे जाओगे। और यदि आपको उनकी PDF डाउनलोड करना है तो वो सारी जो PDF थी वो दोस्तों वो पूरी फ्री थी, यानी कि अभी भी वो फ्री है। अभी भी आप जाके ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको इंस्टा मोजो का लिंक दिखाई देगा। ठीक है, पंवार कासलीकर करके है, तो उस लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप वो क्या करोगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम मध्य प्रदेश के इतिहास यूनिट फर्स्ट। अब इसमें देखिए, हम यहाँ पर सीरियल वाइज देखेंगे, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के इतिहास से कैसे क्वेश्चन पूछे हैं 1990 में। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस टाइम की ये बात हो रही है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ये 1990 में पूछा गया था। तो ये भील है, तो अभी भी भील ही है, 1990 में भी भील ही थी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए, आप सोचोगे कि मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति में जनजाति वाला कैसे क्वेश्चन आ गया, तो आपने अभी जो नया सिलेबस देखा होगा तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अरेंज इन्हें किए हैं। ठीक है, तो उसमें जनजाति वगैरह भी है, प्रमुख व्यक्तित्व भी हैं, तो ये आप एक बार सिलेबस देख लोगे। उसके बाद में कौन सी जनजाति पातालकोट में आदिम युगीन जीवन बिता रही है, ये 1991 में पूछा था। अब ये देखिए, पातालकोट का आप सबको पता है भारी जनजाति वहाँ पर निवास करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि बहेलिया श्रेणी की जनजाति 1991 में ये पूछा गया था। ठीक है, कौन सी है, तो ये पारधी है। उसके बाद में खीर माता किस जनजाति की ग्राम्य देवी है, 1992 में पूछा गया था, गोंड। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया है कि जो जनजाति है उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये समझाने के लिए ही हमने इस तरीके से इसे अरेंज किया है। अब दोस्तों, ये हमने यहाँ पर देख लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो इनमें से कौन सी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए, संथाल, लुसाई ये नहीं पाई जाती, बाकी ये माड़िया जनजाति पाई जाती है। और 2019 के फिल्म्स का जो पेपर हुआ था उसमें भी माड़िया जनजाति को संदर्भ में दिया था। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ पाए जाते हैं, ये 1993 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो भीमबेटका है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है उसमें भीमबेटका को कब शामिल किया गया है। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताओगे। उसके बाद में यहाँ पर राजा भोज ने शासन किया था 1993 में। देखिए, उस टाइम भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे और अब किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आप क्या तुलना भी कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो किस प्रकार के MPPSC क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये धार पर
मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक शैल चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक शैल चित्र कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका में पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल जो दैनिक वायु सेवा से जुड़ा है, खजुराहो, ठीक है, 1994 में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में यहाँ पर सुमेलित कीजिए। अब देखिए जो भी इतने सुमेलित करने वाले जो भी क्वेश्चन है तो हम इन्हें डायरेक्ट मिला देते हैं, यानी कि जो घोटुल प्रथा है वो बस्तर की मुड़िया जनजाति से संबंधित है, भगोरिया हाट भील जनजाति से संबंधित है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, ये बेवार, ये बेगा चक्र के बेगाव द्वारा की जाने वाली परंपरा चलित परंपरागत कृषि है, ठीक है, या खेती है। उसके बाद में यहाँ पर कर्मा की बात करते हैं तो पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजाति का ये नृत्य है या लोक नृत्य है, ठीक है, यहाँ पर नोट करके हमने लिखा भी है कि सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। अब देखिए ये दो बार पूछा गया, सेम टू सेम क्वेश्चन दो बार पूछा गया, 1994 में भी 2014 में भी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, मेंस में भी कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं और प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये PDF आप ले लोगे तो आपके जो MP GK के हैं एक भी क्वेश्चन यानी कि गलत नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप एनालिसिस इसे कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसी बुक देखना चाहोगे तो आपको पूरे MP में कहीं नहीं मिलेगी ऐसी बुक, ठीक है। तो यदि आपको यकीन ना हो तो आप सर्च करके देख लेना, अगर मिल जाए तो, ठीक है। बाकी मेरा मानना यह है कि इस प्रकार से किसी भी बुक ने अभी तक अरेंज नहीं किया है, ठीक है। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, 1994-2014 में पूछा गया था, मुड़िया जनजाति। उसके बाद में कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है, तो ये दक्षिण के जिले में पाई जाती है, ठीक है। ये आप सभी को पता है, जनजाति की लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एनालिसिस कैसे कर सकते हो कि प्रत्येक जनजाति की आपको लोकेशन याद करना है। अब इससे कैसे एनालिसिस कर सकते हो कि गौर नृत्य, तो प्रमुख जनजातियों के कौन कौन से नृत्य है ये भी आपको याद करना है। उसके बाद में किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था, तो ये बुंदेला ने, ये 1996 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट है कि सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये आपको यहाँ पर इसका जो है तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या है दोस्तों, दतिया है, ठीक है। और असीरगढ़ का किला स्थित है, ये इसका जो राइट आंसर होगा असीरगढ़ के किला वाला, तो ये है बुरहानपुर। ये 1996 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए कौन सा राज्य वंश मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये 1997 में पूछा गया था, यानी कि कलचुरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कलचुरी होगा। और यहाँ पर निम्नलिखित में से किस गायक का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, अब मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व वाला अभी सिलेबस में दिया है, तो आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश के जो भी चित्रकार हुए हैं या फिर और भी कई प्रकार के व्यक्ति जनजाति व्यक्तित्व हुए हैं तो उनके जन्म स्थान उनकी विशेषताओं से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये उस्ताद अलाउद्दीन खां। नेक्स्ट है कि किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिया, अब देखिए ये दो बार लगातार पूछा गया था, 1997 और 98 में दो बार, तो ये चंदेल राजवंश। देखिए अभी हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 2 से 3 जो राजवंश है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चंदेल, उसके बाद में यहाँ पर परमार वंश, ठीक है, परमार वंश और अशोक के बारे में भी है, पुष्यमित्र सुंग भी यहाँ पर आए थे, तो ये 2-4 ऐसे व्यक्ति हैं कि इनका अधिकतर क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाता है। भगोरिया हाट का संबंध किससे है, 1999 में पूछा गया था, ये है झाबुआ से, ठीक है। तो झाबुआ में भगोरिया हाट का मेला लगता है, ये क्यों लगता है ये आप बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। घोटुल प्रथा क्या है, 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त आवाज जिसमें लड़के लड़कियों का एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो ये वाली ये प्रथा है। और हम अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1857 अंग्रेज से संघर्ष किया था, ये सन 2000 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर है शहादत खां। दोस्तों ये आपको कैसा लगा आप बता सकते हो, और इसी प्रकार के हम जो चीज़ लाते हैं वो ऐसा लाते हैं कि जो आप सोचते हो, यानी कि आप सोचते हो कि ऐसा होना था तो बस वैसा ही हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी भी बहुत दिन से ऐसा सोच रहे होंगे कुछ ऐसी बुक मिल जाए जिसमें सेपरेट अलग अलग दिए हों कि इतिहास से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, भूगोल से कैसे पूछे हैं, है ना। और इसी प्रकार से अभी हमारी थ्री मार्कर की सीरीज भी चल रही है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, आप हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम फेसबुक जो भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वो यूट्यूब पर ही यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। तो ये PDF देखिए हमारी अभी इतनी तैयार हो चुकी है, हम आपको यहाँ पर थोड़ा सॉर्ट करके बता देते हैं, ठीक है। तो इतना हमारा अभी यहाँ पर ये टाइप हो चुका है, यानी कि पूरी PDF तैयार है, बस इसमें क्या है अभी थोड़े से यहाँ पर राइट आंसर हमें टिक करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आएगी, और ये हम यहाँ पर MPGK भी यहाँ पर ये कवर कराएंगे, उसके बाद में यहाँ पर खेलकूद से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं तो वो भी यहाँ पर आपको कवर करा देंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।